देखें ये स्टेटिक हैंड स्प्रिंग्स है, जो पेशेंट जिनकी फिंगर इधर डाइवर्ट हो रही हैं आप उनको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हुए यहाँ से ये इनके मेटाकार्पल पर आ जाएगा जी, ये ऐसे इनको होल्ड कर लेगा जी। जो फिंगर बाहर की तरह ऐसे जा रही हैं आप देखते हैं कि कई ना वो फिंगर्स पर यूँ यूँ करके वो चैन की तरह से बांधते हैं और करते हैं, बट वो इतना प्रैक्टिकली नहीं है कि वो फिंगर फिर भी यूँ ही डाइवर्ट हो जाएंगी। आप इसको सभी फिंगर्स को एक एक करके ऐसे यूँ करेंगे, आपके हाथ की यहाँ से शेप देखिए यूँ जा रही है, आप पूरे टोटली हैंड को ये वेलक्रो आपका ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आप यहाँ पर आप इसको ये नीचे बांध दीजिए। सेकेंड स्टेप भी हमारा फ्री है, आप स्टेप्स को ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ पर आपको प्रेशर और होल्ड की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर फिंगर इस तरफ डाइवर्ट हो रही है तब भी और इधर हो रही है तब भी हम पूरे रिस्ट से लेकर के, क्योंकि जब हमारी रिस्ट भी घूम रही है हम रिस्ट को भी पकड़ सकते हैं, हम यहाँ से अपनी फिंगर को भी पकड़ करके उसकी डायरेक्शन इस तरफ कर सकते हैं जी। आप देखिए मतलब इधर भी पूरे दो स्टेप हैं, थंब को भी पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए, यहाँ से रिस्ट भी हमारी नहीं उठती है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ये रिस्ट पर भी एक कवरिंग आपको स्टेप दिया हुआ है जी। थैंक यू।